फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये क्लास 11 की इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 11 का बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 11 का आप दे नहीं रहे हैं एक भी, तो वो हमारे स्टूडेंट थे जो पहले क्लास 10 में थे, अभी 11 में गए हैं। तो क्लास 11 की बात करूँ तो क्लास 11 का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो हालांकि सिलेबस ऑलरेडी मतलब वहाँ से आ चुका है, बोर्ड से आ चुका है, तो वो सिलेबस भी दिखाऊंगा। लेकिन सिलेबस में मैं देखा, मैं खुद ही पढ़ा, तो इतना समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझ गया कि ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो ये सिलेबस को समझने के लिए आप पेपर को ही देख ले कि पेपर किस क्वालिटी की आ रही है। ठीक है, पेपर की बात करें तो पेपर में किस टाइप की क्वेश्चन बनती है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में रीडिंग स्किल होता है, 10 मार्क की पैसेज रहती है। तो ये आपका हर एग्ज़ाम में बनेगा, 11 की 12 की दोनों ही जो बोर्ड की एग्ज़ाम है, क्लास 12 का भी और 11 का भी, वहाँ पर रीडिंग स्किल से आपका 10 मार्क क्वेश्चन बनेगा। ये भी एक सिलेबस ही है, समझिए। इसके बाद बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 सेक्शन बी एडवांस राइटिंग के ऊपर आपका 25 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ग्रामर सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन सी, देखिए सेक्शन ए में था रीडिंग स्किल में 10 मार्क था। ठीक है, रीडिंग स्किल के अंदर 10 मार्क था। सेक्शन बी की बात करूँ, एडवांस राइटिंग स्किल के अंदर 25 मार्क है। इसके बाद ग्रामर सेक्शन सी में ग्रामर आ जाता है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं पूरा करा दूंगा, उसमें चिंता ना करें, तो वो 20 मार्क का है। और टेक्चुअल मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से शुरू होगा और 16 तक, यहाँ पे 45 मार्क का बनता है। सो मोस्टली कि आपको यही फोकस करना है कि आप देख रहे हैं, ठीक है थोड़ी सी रुक जाए, आप देख रहे हैं कि 45 मार्क का ओनली बुक से पूछा जा रहा है, बाद बाकी सब ग्रामर का ही सेक्शन पकड़ के रखा जाए, क्योंकि एक रीडिंग स्किल, एडवांस राइटिंग स्किल, ग्रामर सेक्शन 20 मार्क। सो टोटल ओवरऑल बात करें कि 100 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, ये पहले समझ ले, क्योंकि क्लास 11 में जो भी बच्चे गए हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये पहले देख ले। इसके बाद अब शुरू होती है कि रीडिंग स्किल कैसा होता है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर देना है, बिल्कुल 10 बेसिस पे है। क्लास 10 में जिस तरह आपने कुछ पैसेज दिया रहता था, वो पैसेज को पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन रहते थे, हाँ, तो उस क्वेश्चन को आपको आंसर वहीं से देना पड़ता था। तो सेम उसी पैटर्न पे है, रीड द फ्लैंक पैसेज केयरफुली, आपको बहुत केयरफुली इसको रीड करना है, समझना है क्या कहा गया है, तो आप जरूर इसको पढ़ें। मैं बस समझा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं आंसर नहीं करके दिखा रहा हूँ। सो मैं ये पेपर को डाउनलोड किया और आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इतना दूर तक था। इसके बाद आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ओवरऑल देखा गया है कि थोड़ी सी ये क्वेश्चन मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि 10 बेसिस का क्वेश्चन था, वहाँ पे आपकी थिंकिंग नहीं पूछी जाती थी, लेकिन क्लास 11 और 12 में आपके थिंकिंग के ऊपर भी कुछ आंसर देना पड़ता है। डायरेक्टली आंसर आपको उस पैसेज में नहीं भी मिलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन हालांकि बहुत सारे मिलते हैं, तो वो आपको वहीं से देना। देखिए एक ही दिया हुआ था, एक ही पैसेज के अंदर 10 मार्क बनाया गया है, कभी कभी 2 पैसेज भी देता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे एक ही पैसेज के अंदर 10 मार्क कवर किया गया है, आप जरूर उसको लिखिएगा। ठीक है, देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछ दिया है, गिव द एडजेक्टिव फ्रॉम अ, ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, देखिए हैबिटेट का वो एडजेक्टिव पूछा ही है, तो क्या होना चाहिए, विशेषण किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप जब पैसेज को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो वही है, डायरेक्टली आंसर नहीं भी मिलता है। लास्ट वाला भी एक क्वेश्चन उसी टाइप पे है, तो अब उसको भी यहाँ पे मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बाद सेक्शन बी की बात करें, यहाँ पे एडवांस राइटिंग स्किल हो जाता है, यहाँ पे बहुत ही इसको बारीकी से पढ़ना है, बहुत ही आप ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 25 मार्क का जो रहता है, यहाँ पे और में दिए जाते हैं, यहाँ पे बस एक ही लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्या एक रिपोर्ट का तरह ही लिखना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे दिया है कि ये आता ही है, कभी भी आपकी कोई भी पेपर उठाइए, ये 2019 का पेपर है, आप कोई भी उठाइए, पुराने पेपर भी ले सकते हैं, आप 18 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, हालांकि 20 में एग्जाम हुआ नहीं, ठीक है, तो 20 में एग्जाम हुआ नहीं पेंडेमिक की वजह से, तो सो मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 का पेपर मिल जाएगा आपको। तो 19 की पेपर का ही बात करूँ, आप पहले की पेपर भी देख सकते हैं, क्लास 12 का पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ पे ये रहेगा ही, लोकल न्यूज़पेपर के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट निकालना रहेगा ही, ये आपको देता ही देता है एग्जामिनर। ठीक है, वहाँ पे नेम भी मेंशन करता है, कोई एक नेम वो मेंशन कर दिया है, अभिलाष, हाँ, तो देखिए आपको नेम भी वही मेंशन करना है, मतलब उसके जगह पे अपने को उसके जगह पे रखना है जो नेम दिया गया है, और उस टाइप पे लिखना है। चलिए इसका आंसर हालांकि मैं दे दूंगा, सभी का आंसर दूंगा, आपको दो दी जाएगी, इस तरह दोनों में से एक ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मार्क आपका कवर हुआ, 25 मार्क आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, योर स्कूल हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड, यहाँ पे बिल्कुल उसी टाइप पे है, मतलब आप लोग जिस तरह एक रिपोर्ट तैयार करते थे क्लास 10 में, उसी टाइप पे ही ये क्वेश्चन रहता है, मैगजीन के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर रिपोर्ट लिखना आप लोग बनाए हैं, उसी टाइप पे ये रहेगा। ये हालांकि क्वेश्चन को देखें, अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जब मैं ये करके सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ये समझाने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये बनेगा किस तरह, बस दिखा रहा हूँ आपको समझना है कि क्वेश्चन की टाइप क्या है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में आते हैं। देखिए शिल्पी दिवस के ऊपर दे दिया गया है एक, मतलब ये 1 एंड 125 वर्ड्स, मतलब मान के चलिए ऐसे राइटिंग की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है द असम ट्रिबन, इसके ऊपर लिखना है, हम पहले ही कहा कि न्यूज़पेपर के ऊपर आता ही आता है, एग्जामिनर 1 नहीं 2 3 क्वेश्चन उसी टाइप पे देता है, तो ये जरूर कीजिएगा। फोन नंबर भी उसी टाइप पे है, क्वेश्चन पढ़िए, 10 मार्क का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का है। ठीक है, ऊपर वाला 5-5 मार्क का था, ये 10 मार्क का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही करना है, और दिया हुआ है एक ही करना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से एक ही करना है। सेक्शन सी की बात करें, 20 मार्क का ग्रामर सेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है, ग्रामर में
लेकिन मैंने पहले कहा आप क्लास 10 में जो ग्रामर बनाए थे उससे थोड़ी ऊपर, मतलब थोड़ा मोटरेट हो जाता है, ईजी वे नहीं रहता है, ठीक है, हालांकि इतना टफ भी नहीं रहता है, मैं टफ बोलूँगा नहीं, बस इसमें मिक्स कर दिया जाता है, दो दो मतलब सेंटेंस को एक जगह जोड़ दिए जाते हैं और हमें लगता है कि यह हमारे लिए टफ है लेकिन रहता नहीं है। नरेशन देखिए, नरेशन की बात करें, नरेशन किस टाइप पे दिया हुआ था, देखिए दो तीन सेंटेंस अलग अलग जोड़े गए हैं, इसलिए इतना ईजी वे नहीं मिलेगा क्लास 11 और 12 में जाकर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और एक बार समझ जाने के बाद ये सब हो जाता है। यहाँ पे देखिए दो दो चार मार्क का है, ए और बी दो ही दिया गया है नरेशन। इसके बाद वॉइस चेंज की बात करें, हाँ वॉइस चेंज जो भी रहता है वो थोड़ी सी नॉर्मली देखने को मिलता है हर क्लास 11 एंड 12 के एग्जाम में, आप पेपर को मैं दिखाऊंगा, मैं देखा भी हूँ तो जरूर, लेकिन चेंज द वॉइस ऑफ एनी थ्री आपको तीन ही करना है, आपको जो ईजी लगता है वो तीन ही करें, क्योंकि यहाँ पे छः दिया जाता है, आपकी चॉइस आप किसको बनाएंगे, ठीक है, किस सेंटेंस को आप वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। तो वॉइस चेंज था ग्रामर के अंदर, इसके बाद हमने देखा कि नरेशन था, उसके बाद करेक्ट टेंस की बात करें तो टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ये वर्ब को करेक्ट करना पड़ता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि क्लास ट्वेल्व के लिए बनाया था लेकिन वो सभी के लिए काम करेगा, क्लास 11 12 सभी के लिए, ठीक है। 1 मिनट सर, बच्चे कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, तो देखिए ये वाला भी देखिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ईजी है ये करेक्ट टेंस, मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, एक बार फॉलो कर लीजिए उसको, दो तीन बार बस उसको कुछ याद करना पड़ता है, याद कर ले इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वाला मैं दे दूंगा, अब जरूर देख लीजिए, यही सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। इसके बाद करें प्रीपोजिशन ग्रामर के अंदर, हमने क्या क्या देखा कि नरेशन देखा, वॉइस चेंज देखा, करेक्टनेस देखा, प्रीपोजिशन देख रहे हैं, प्रीपोजिशन आपको क्लास 10 में क्या था, क्लास 10 में एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देता था प्रीपोजिशन में, यहाँ पे कोई जिस तरह वहाँ पे फ्यू उसको लिटिल लिटिल देता था, बाई एट अब तक इस तरह देता था, यहाँ पे आपको खुद यूज़ करना है प्रीपोजिशन में, आपकी नॉलेज होनी चाहिए और ये प्रीपोजिशन बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी समझ में आएगा कहाँ पे क्या हम वहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन भी बहुत सारा दिया है लेकिन मार्क इतना है, लेकिन यहाँ पे बोला देखिए दिया है 8 करीब करीब 8 दिया हुआ है लेकिन आपको 4 ही लिखना है, एक पे 1 मार्क दिया गया है, आपको जो ईजी लगता है वही वाला कीजिएगा, ठीक है। एनी फॉर ऑफ सेंटेंस देखिए डायरेक्ट, हाँ लेकिन यहाँ पे ये तो जरूर है सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्लास 10 में क्या था मेक सेंटेंस देता था लेकिन एलिमेंट में क्या है आपको मेंशन कर देता है कि सेंटेंस को किस वे में लेना है, यहाँ पे देखिए डिग्री में लेना है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव नेगेटिव, टेक क्वेश्चन, हालांकि क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग, एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस, इसमें आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो सेंटेंस को चेंज, ये आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 4 मार्क का है, यानी 4 आपको यहाँ पे बोला है मेक इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कहेगा एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, ये क्लास 10 में आप जिनका एमआई हिंदी था उन्होंने जाने वो जान चुके हैं कि कैसे बनेगा, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़े थे मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य बनाने के लिए एक दे दिया जाता था, उसी तरह ये इंग्लिश में भी है, बिल्कुल उसी टाइप में बनाना है, सिंपल सेंटेंस में लेना है, सिंपल मतलब सरल वाक्य, कंपाउंड में लेना है, ठीक है, तो इस तरह है। सेक्शन डी की बात करें, अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपका बुक से, टेक्चुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन कैसा मिलता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपका जो पोएम है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पोएम से कुछ लाइंस, पॉइंट से कुछ पैराग्राफ उठा के दे दिए जाते हैं और वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, देखिए पैराग्राफ दिया है, क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, हालांकि टेक्चुअल आपके बुक से ही दिया हुआ है, आप जरूर ये देखें किस पॉइंट से दिया है, कभी कभी ऐसा नहीं है जो पॉइंट से ही देता है, ठीक है, कुछ हिस्ट्री से भी क्वेश्चन उठा के पैराग्राफ दे दिए जाते हैं और वहाँ से पूछता है 3-3 मार्क का, यहाँ पे देखिए 5 मार्क पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन की पैटर्न यही रहेगी, चाहे वो 18 का पेपर लीजिए, 19 का लीजिए, 17 का लीजिए, ये बुक का अंदर से क्वेश्चन है, ये आप बुक पढ़ें इसके बाद आंसर दें, ठीक है। हाँ सप्लीमेंट्री से भी आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आपके पास सप्लीमेंट्री इंग्लिश दिया गया है, यहाँ पे एनी 5 कोई 5 का ही आंसर देना है, एग्जामिनर 7 दे दिया है, हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ से सिर्फ 5 करना है, 2 छोड़ देना है, ठीक है। द लास्ट लेसन आपका एक देखिएगा चैप्टर है द लास्ट लेसन, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है तो वो अच्छे से पढ़े। हाँ ये देखिए सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है 30-40 वर्ड्स, 5-5 मार्क का 2 लिखना है, सप्लीमेंट्री का जो भी क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को फोकस करता है, लेकिन ये शायद नहीं है, ये पॉइंट से हो सकता है, सप्लीमेंट्री पे 2 ही क्वेश्चन देगा, ये तो 2-2 मार्क का क्वेश्चन है, पॉइंट वगैरह से दिया है, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए ये 5 मार्क का है, 80-100 वर्ड्स का, ठीक है, ये एक ही लिखना था, 2 दिया गया है, यहाँ पर भी एक ही लिखना है, 7 दिया गया है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये सर। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, सप्लीमेंट्री से भी 2 क्वेश्चन था देखने को मिला मुझे, 7 मार्क वाला और आपका इधर 5 मार्क वाला, ये 2 क्वेश्चन वहीं से दिए गए हैं। तो अलग ऐसा क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना भी है, बुक की पूरी हिस्ट्री को समझे उसके बाद, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी आए, उनका भी हेल्प हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और आप भी सब्सक्राइब करके रखें, जो भी नया स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट है कि क्लास 11 के जो भी ग्रामर का सेशन है, आपकी बात करूँ कि टेक्सचुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्री का मोस्टली इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं दे दूंगा, ऑलरेडी मैं अभी एक बना चुका हूँ कि आपको करेक्ट टेंस किस तरह करना है, तो वो टेंस भी मैं बता दूंगा, कुछ भी हो ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होगा, और बात करें कि ये जो ये वाला
रिपोर्ट लिखना पड़ता है, एडवांस राइटिंग स्किल हो गया, ये भी मैं करके दिखा दूंगा, कुछ क्वेश्चन तो फिर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलेगा। सब बाय, चेक किया।